सभी दर्शकों से निवेदन है कि स्पोर्ट्स लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। नमस्कार, स्वागत आप सभी का दाचर्चा 24 और स्पोर्ट्स लाइव में। और आज हम पहुंचे हैं असन गांव में, और असन गांव में इसलिए पहुंचे हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने पहुंचे हैं जो कि फिलहाल महिला वॉलीबॉल इंडिया टीम की कैप्टन है, निर्मल जी। तो उन्हीं से आज रूबरू होने पहुंचे हैं और उन्हीं के विचार जानने पहुंचे हैं कि ना आज के समय में खिलाड़ी को क्या जरूरत है। बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में भी है, मेरे दिमाग में भी है, उन सभी का आंसर इनसे लेंगे और इनसे जानेंगे कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी, किन किन परिस्थितियों से गुजरी है। तो निर्मल आज फिलहाल में वॉलीबॉल की इंडिया की कैप्टन है, तो उन्हीं के गाँव में आज खड़े हम, तो उनसे जानेंगे इन सभी प्रश्नों का जवाब। तो हमारे साथ मौजूद है हरियाणा की बेटी, इंडिया वॉलीबॉल टीम की कप्तान निर्मल तंवर जी। तो सबसे पहले बहन आपका स्वागत है हमारे स्पोर्ट्स लाइव और द चर्चा 24 में। थैंक यू सर। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, आपने गेम की शुरुआत कैसे की और कब की? मैंने गेम की शुरुआत 2006 से की है। पहले मैं गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी और मेरा गेम में बहुत इंटरेस्ट था, और प्राइवेट स्कूल में गेम नहीं था तो मैं गेम के लिए गवर्नमेंट स्कूल में आई 6th क्लास में, तो तब मैंने गेम की शुरुआत की। आपने गेम की शुरुआत की, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आई होंगी जहाँ गेम को आपने बाय बाय भी करना मजबूर हो गया होगा, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ रही थी जब गेम को आपने टाटा बोलने के मजबूर हो गए थे तो वे बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होंगी, कुछ ऐसी वाक्य हमें बताए ताकि आने वाले जनरेशन उनको समझ सके और उन पर काबू पा सके। वैसे ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं कि मैं वॉलीबॉल को बाय बोलूं, आज तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई। और मेरे को मतलब इतना इंटरेस्ट था गेम में, वॉलीबॉल में, मतलब वॉलीबॉल को मैं बहुत चाहती हूँ, मेरा गेम में बहुत इंटरेस्ट था और मैं मतलब सुबह शाम ऐसे प्रैक्टिस करती थी एकदम पागल के जैसे, जुनून था एक मेरे अंदर कि मुझे कुछ करके दिखाना है। तो गांव से आप बाहर जाते थे खेलने के लिए, कुछ गांव वाले बोलते हो या कुछ ऐसी कुछ वाक्य हुआ है सामने जहां थोड़ा बहुत डगमगाए हो आप गेम के लिए? हाँ, पहले तो गांव वाले बोलते थे जब हमने शुरू किया था, मतलब प्रैक्टिस करना सुबह शाम हम प्रैक्टिस करते, तो गांव वालों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता था क्योंकि लड़कियाँ प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद धीरे धीरे मतलब हम सुनते नहीं थे, इग्नोर करते थे, फिर धीरे धीरे हम डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में मेडल लाने लगे तो गाँव वालों का नाम रोशन हुआ, हमारे गाँव का नाम रोशन होता, उनको अच्छा लगा। तो इंडिया टीम में आप सिलेक्शन हुआ, उस समय क्या आपके अंदर फीलिंग थी, कितनी खुशी थी, घर वालों के अंदर कितनी खुशी थी, वो थोड़ा बताएं हमें। 2012 से मैं इंडियन टीम में हूँ, 2012 से 2020 तक कंटिन्यू मैं इंडियन टीम में हूँ और खेल रही हूँ। 2012 में मैं ट्रायल देने गई थी भोपाल में, मैं ऐसे ही नॉर्मल ट्रायल देने गई थी लेकिन मुझे पता भी नहीं था इंडिया लेवल पे ट्रायल कैसी होती है और क्या होती है। हमारे जो PTI जगदीश सर हैं उनके साथ मैं गई थी और वहाँ पे मैंने ट्रायल दी तो मेरा सिलेक्शन हो गया, बट मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी वहाँ पे और मुझे रोना आ रहा था, मेरे पापा मुझे छोड़ के जा रहे थे और मैं पापा को बोल रही थी कि मैं नहीं रुकूंगी और मैं आपके साथ ही जाऊंगी। और जो बाकी लड़कियाँ आई थी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और मैं इसलिए रो रही थी मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरे को यहाँ पर रुकना पड़ेगा, और मैं घर से बाहर कभी गई नहीं थी इतने दिन। तो फिर मैम ने मुझे समझाया जो हमारे कोच थे, फिर मैं वहाँ पे रुकी एक हफ्ता, फिर मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, उसके बाद पासपोर्ट लेने घर आई, फिर सारा सामान जो भी ज़रूरत होती है वो सब लेके गई, फ़ोन भी नहीं था उस टाइम मेरे पास, फ़ोन भी लेके गई। तो इंडिया टीम की खुशी सबसे पहले आपने किसको बताई, मैं इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गई हूँ, या फिर आपने गुरु को बताई, आपके गुरु भी आपके साथ होंगे उस समय शायद?
गुरु हमेशा साथ दिया है और अभी भी साथ है, और सबसे पहले मैंने मेरे जो कोच है उनको ही बताई, फिर घर वालों को बताई, और घर वालों को बहुत खुशी हुई कि मतलब हमारी बेटी इंडियन टीम में सिलेक्ट होगी। तो बहुत सारी बातें आपसे करते रहेंगे, तो मैं कभी भी जिस भी स्पोर्ट्समैन का इंटरव्यू लेता हूँ, से मिलता हूँ, एक प्रश्न मेरा हमेशा रहता है, जो आज की जनरेशन है, आज का यूथ है जो खेलों में है, वो ना नशे की तरफ जाता है, ज़्यादा इंजेक्शन लेता है और ये मानता भी इससे मेरा गेम बेहतर होगा, क्या लगता है इससे बेहतर होगा या नहीं होता? एक्चुअली जो प्लेयर ये इंजेक्शन वगैरह लेते हैं तो जो इंडिया लेवल इंटरनेशनल लेवल पे है वो सब करने से डोप में भी आ सकते हैं, तो सबको डर बना रहता है कि अगर ये लेंगे तो आप मतलब खेल नहीं पाओगे। तो कुछ लोग हैं जिनको मतलब पता नहीं होता है और वो सब इंजेक्शन वगैरह लेते हैं तो वो आगे जाके नहीं खेल सकते, क्योंकि वहाँ पे डोपिंग टेस्ट होता है और उसमें सब पता लग जाता है कि आपने कुछ लिया है, आपने कुछ मेडिसिन ली है, और इंडियन टीम में जाने से पहले भी आपका डोप टेस्ट होता है कैंप में। आप बचपन में थे, घर पे रहे हो, घर पे खेल रहे हो, सबसे ज़्यादा आपको घर पे लाड कौन करता है? मेरे पापा बहुत प्यार करते हैं मेरे से, सबसे ज़्यादा पापा ही करते, मम्मी वगैरह नहीं करते? मम्मी भी करते हैं बट पापा बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, आपने प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में गए, आप एजुकेशन की तरफ कितनी रुचि थी आपकी, किस सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा रुचि रखते थे, कौन सा अच्छा लगता था? सबसे ज़्यादा रुचि तो हिंदी में ही थी। अच्छा, हाँ जी, और पढ़ाई में भी रुचि थी पर गेम में ज़्यादा थी। मैं पूछना चाहूँगा, आप बाहर जाते हो, इंडिया से बाहर जाते हो, अपनी टीम के साथ बैठते हो, वहाँ कुछ हरियाणवी बोलते हो? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं तो हरियाणवी में बात नहीं करती हूँ किसी से भी, बाहर जाके हिंदी में ही बात करते हैं। तो लगता है कुछ कभी निकल जाती है, कभी कभी कहीं जाते हैं तो थोड़ी बहुत हरियाणवी निकल जाती है? मतलब अगर टीम वाली लड़कियाँ बैठी है और घर वालों से बात करती हूँ तो हरियाणवी में बात करती हूँ, वो बोलते भी है कि ऐसे लग रहा है कि बात नहीं करी है, अपने घर वाले से लड़ाई कर रही है, लड़ाई कर रही है, ऐसा लगता है? हाँ ऐसे लगता है, बोलते हैं इनकी तो मतलब लैंग्वेज ही ऐसी एकदम ठेठ है, ऐसे लग रहा है कि वो बात नहीं कर रही है, लड़ाई कर रही है घर। तो आपको इतने साल हो गए गेम के अंदर, क्या क्या अचीवमेंट हासिल किया है, कौन कौन से मेडल जीत के लाए हो देश के लिए, भारत के लिए, अपने हरियाणा के लिए? मेरा जो हाईएस्ट अचीवमेंट है वो मैं एशियन गेम्स है, दो बार एशियन गेम्स खेली हूँ, एक 2014 में और एक 2018 में, और दो साउथ एशियन गेम्स खेली हूँ, उसमें दोनों में गोल्ड मेडल है, बाकी सब एशियन चैम्पियनशिप खेली हूँ उसमें पार्टिसिपेट है, 2012 से 2020 तक कंटिन्यू खेल रही हूँ। वॉलीबॉल गेम की आपने शुरुआत की, तो आप अपना आइडल किसे मानते हो? जब मैंने वॉलीबॉल की शुरुआत की तब मुझे कुछ भी नहीं पता था वॉलीबॉल में कौन प्लेयर क्या है, कौन अच्छा प्लेयर है और क्या है, जब मैं इंडियन टीम में सिलेक्ट हुई उसके बाद ही मुझे प्लेयर्स के बारे में पता चला कौन कितना मतलब अच्छा प्लेयर है, और जिस टीम में मैं गई हूँ ना सेंट्रल रेलवे में, रेलवेज में, उसमें सभी प्लेयर्स मतलब इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और बहुत अच्छे अटैकर है उसमें सब, और जो हमारे कोच है सेंट्रल रेलवे के वो भी इंडियन टीम के कोच हैं, तो उन्होंने मुझे प्रैक्टिस दिया और जो हमारी टीम में प्लेयर्स है वही मेरे आइडियल है। तो बेहतरीन प्लेयर रहे हैं पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी, अब किन को कंपेरिजन करोगे, तो कौन ज़्यादा बेहतर है, पास्ट वाले या प्रेजेंट वाले? पास्ट वालों का तो मुझे पता नहीं है क्योंकि वो बहुत सीनियर प्लेयर थे, बट अभी जो करंट में है वो बहुत अच्छे प्लेयर है, एक हमारी इंडियन एलएस टीम में ही है जिसको मैं सबसे अच्छा अटैकर मानती हूँ, प्रभाकरन फ्रॉम केरला जी, और इंडियन रेलवेज में वो टीम में खेलते हैं, अभी टीम में खेल रहे हैं। हाँ जी, वॉलीबॉल की बात करें तो पहले वॉलीबॉल खेला जाता था और अब खेला जाता है, उसमें कितना फ़र्क आया है? देखो जी, मैं तो 2012 से इंडियन टीम में हूँ और मुझे 2012 से ही पता है, उससे पहले मेरे को इतना पता नहीं है, मैंने सिर्फ जो वीडियोस देखी है, जो अच्छे अच्छे प्लेयर थे वो अभी नहीं है उनकी वीडियोस देखी है, और बदलाव बहुत सारे आए हैं, पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी जो अभी प्लेयर्स को मिल रही है, और फेडरेशन भी इतना साथ दे रही है प्लेयर्स को, हर जो चैम्पियनशिप होती है हर चैम्पियनशिप में भेज रही है, पहले ऐसा नहीं होता था कि जो भी टूर्नामेंट हो जो भी चैम्पियनशिप हो भेज रहे, अभी जो भी हो रही है उनमें ही मतलब टीम को भेज रही है आगे। एक ना बहुत बड़ी समस्या है, साउथ एशियन गेम जब स्टार्ट होते हैं उसमें हम मेडल लेके आते हैं, बट एशियंस गेम में हम पीछे क्यों रह जाते हैं? साउथ एशियन गेम्स और एशियन गेम्स का लेवल दोनों का बहुत अलग अलग है, जो एशियन गेम्स में टीम आती है वो पूरे एशिया की टीम आती है जी जी, जो साउथ एशियन गेम्स, और जो साउथ एशियन गेम्स होते हैं उसमें सिर्फ 8 टीमें पार्टिसिपेट करती है, जो श्रीलंका मालदीव इंडिया नेपाल ये सब पाकिस्तान ये सब टीम पार्टिसिपेट करती है, और जो एशियन गेम्स होते हैं उसमें चाइना जापान कोरिया ये सब टीम, और इनका लेवल इतना है कि मतलब बहुत अच्छा है। और तो कमी किस चीज़ की रहती है, हमारे यहाँ के माहौल की कमी रहती है या फिर प्रैक्टिस की कमी रहती है? हमारी प्रैक्टिस की कमी रहती है, जो
जैसे कोरिया और चाइना वगैरह टीम है वो पूरे साल भर मतलब एक साथ ही प्रैक्टिस करते हैं, और इंडिया वालों का होता है कि उनका एक या दो महीने का कैंप लगता है और उसी में वो प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो सब अलग अलग स्टेट से आते हैं और अलग अलग स्टेट में ही प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ जो एक दो महीने कैंप लगता है उसमें प्रैक्टिस करते हैं, और जो बाकी टीम्स हैं वो एक्सपोजर उनके होते हैं, वो मतलब ऐसे थाईलैंड और कोरिया के बीच में मैच होता है ऐसे खेलने जाते हैं, और हमारे इंडिया वालों को ऐसे नहीं भेजा जाता है बाहर प्रैक्टिस के लिए। अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे दूसरी टीम के साथ तो हमारे में इम्प्रूव आएगा, तो मतलब सुधार आ सकता है, आएगा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सुधार आएगा। अब हम यहीं पर इंडिया में रह के ही उन्हीं प्लेयर के साथ मैच खेल रहे हैं और उन्हीं से हो रहे हैं तो इम्प्रूव नहीं आएगा। हम अपने से अच्छे मतलब टीम के साथ खेलेंगे तो ही इम्प्रूव आएगा। आपने गेम में इतने अच्छे अच्छे अचीवमेंट हासिल किए हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिली, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मैं इंडियन रेलवेज में काम करती हूँ, कमर्शियल डिपार्टमेंट, अभी हेड TC हूँ मैं, और स्पोर्ट्स पर्सन की 8 से 12 बजे तक ड्यूटी है, पर हमारी वो भी नहीं है क्योंकि इंडियन रेलवेज में ये रूल आया है अगर कोई प्लेयर नेशनल में मेडल लेके आता है तो उसको पूरे साल भर की छुट्टी है, मतलब 330 दिन की छुट्टी उसको मिल जाती है। 365 दिन की? 330 दिन की मिलती है। 30 दिन की होती है? हाँ जी, हमको 330 दिन की मिलती है, एक महीना नहीं मिलती है, और उसमें वो अपनी प्रैक्टिस करे सुबह शाम, कोई ड्यूटी नहीं कुछ नहीं, और ये सब करना होता है। तो अरेंजमेंट कैसे करते हो आप? कभी ऐसा भी हुआ होगा कि ना साल में पूरा साल भी नौकरी करनी पड़ती होगी, या फिर कुछ समय ऐसा भी आएगा कुछ जो महीने आप बता रहे हो जिसमें ड्यूटी करनी होती है उसके बीच में प्रैक्टिस करने का मन करता होगा, फिर मैनेज कैसे करते हो? कुछ महीने ड्यूटी करनी पड़ती है, बट हमारी ड्यूटी रहती है जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं 8 से 12 रहती है, हाफ डे रहती है, तो हम लोग 6 से 7.30 बजे तक प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर 8 बजे ऑफिस, 12 बजे आते हैं, फिर शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक। जी, आप घर पे आते हो एक साल में आते हो सुना है, तो घर पे आते हो, आपके बड़े भाई भी होंगे छोटे भाई भी होंगे, लड़ाई होती है आपस में या फिर ऐसे ही निकल जाता है मेहमान की तरह? लड़ाई पहले होती थी, अब नहीं होती, अब दो बड़े हो गए सब, जब छोटे थे तब लड़ाई होती थी। तो छोटे होते हुए भी पिटाई तो हुई होगी बहुत सारी? हाँ, मेरी बहुत पिटाई हुई है, मेरे भाई ने बहुत पिटा है मुझे, मेरे भाई ने पिटा है, हाँ मेरे बहन ने भी पिटा है बड़े। तो अब याद आती होंगी वो चीजें, बचपन में भाई ने पिटा था और अब हम बड़े हो गए? हाँ जी, याद तो आती है और मैं बताती भी हूँ, जैसे मेरी भाभी है उनको तो पता नहीं है लेकिन मैं उनको बताती हूँ ऐसे ऐसे था मैं छोटी थी। तो भाभी बदला लेते हैं फिर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं बचपन की बातें जो होती है वो बताती हूँ उनको। जी, एक कोरोना काल चला हुआ है तो इसमें आप अपने आप को कैसे फिट रखते हो, और खिलाड़ियों को अपने आप को कैसे फिट रखना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे खिलाड़ी जुड़े हैं, उनको आप बता सकते हो क्योंकि आप एक बड़े खिलाड़ी हो, तो उनके लिए प्लीज़ आप ये हमें ज़रूर बताएं। वैसे जब से लॉकडाउन लगा हुआ है मैं घर पे ही थी, 3 महीने, मार्च में आई थी, जब लॉकडाउन लगने से एक दिन पहले मैं आई थी और 3 महीने घर पे ही थी, और एक प्लेयर को मतलब फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर उसको ऊंचाइयों तक जाना है फ्यूचर में मतलब खेलना है तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है, तो मैं सुबह शाम वर्कआउट करती थी घर पे ही रह के। जी, तो मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, जो कि वॉलीबॉल इंडिया टीम की कप्तान निर्मल जी के पिताजी है हमारे साथ और उनकी माता जी है, तो आंटी अंकल जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज स्वागत है जी आपका। तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत देर से घूम रहा था, बहन से बात हुई, निर्मल जब छोटी थी तो खेल में कैसी थी, पढ़ाई में कैसी थी? बढ़िया थी जी। बढ़िया थी, पढ़ाई में रुचि थी इसकी कुछ? हाँ, रुचि भी थी, सारी बातों में रुचि थी इसकी, कोई भी काम है उसमें रुचि थी इसकी। तो घर में घर के जो काम होते हैं जी, रसोई से रिलेटेड काम होते हैं, वो वगैरह करती थी आंटी जी? सारे सब करती थी, सारे काम करती थी, सारे काम करती करती थी। और अब जो है जैसे आती है तो करवाती है घर के कुछ काम? करवाती है जी, सब काम करवाती है, रुचि है घर के काम में भी है, अपने खेल कूद में भी है जी, अच्छा काम करती है। पढ़ाई वगैरह जो करती थी जी? हाँ, पढ़ाई भी अच्छी करी। तो अंकल जी, आपकी लड़की ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है जी? गर्व अच्छा लग रहा। अच्छा लगता है जी। अब गांव से बाहर जाते हो तो लोग कहते होंगे भैया तो निर्मल के पिताजी हैं, ऐसा कुछ, फिर कैसा लगता है उस समय? बढ़िया लग गए। तो लड़की ने इतना नाम हमारे को हौसला होगा, बहुत अच्छा वो लग गया भाई, भैया लड़की भी खेल रहे हैं भाई, मारे को देखे हैं, मारे अंकल कहेगा बोल रहे हैं जी जी, मारे जो उनके सीनियर अफसर है वही मारे को मिल रहे। अच्छा जी, तो अच्छी बात करे, कुंची भर का मिले। अच्छा जी, तो आंटी मैं थोड़ी सी हरियाणवी में बात करूँगा आपसे, तो आप गांव में बैठे हो, लुगाइया में बैठे हो, जब थोड़ी बहुत बात चल जाए निर्मल फलाने की छोड़ी तो इतनी बढ़िया लकड़ी, कुछ ऐसी कुछ बात लकड़ती है गांव में? अच्छा बोलते हैं, ना तो कर चल रहा है ना तो बात कर, लड़की अच्छी खेल रही है, जो माया होती कर भी नाम लेके खेल गाय जीत गाय, वा तो कोई नहीं गांव राम कर भी, अभी पण अपनी लड़की पे बाहर जावे तो सब निर्मल के मम्मी पापा है भाई,
अच्छा, लड़की बहुत अच्छा खेलती है। तो एक समय लड़की का ऐसा आता है जी, माँ बाप ने लड़की का हाथ फीड़े करने होते हैं, तो वो समय कब आएगा इस घर में भी शहनाई बजेंगी? क्या कभी सोचा है भाई बहुत जल्दी आओगा या फिर अभी समय है? देखो बस थोड़ा टाइम है, भी दो साल का, साल दो साल का टाइम है। तो फिर हमें तो बुलाओगे ना आप शादी में जी? बुलाओगे शादी में। तो मैं आपसे भी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी दोबारा, तो हमारे चैनल की तरफ से, दोनों चैनलों की तरफ से, कि आपने इतनी बढ़िया लड़की को जन्म दिया है और आज वो देश के लिए खेल रही है। तो हमारी तरफ से आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ऐसे ही आप अपनी लड़की को हौसला देते रहिए, अपने अभी आने वाले समय में पोते पोतियाँ भी होंगे उनको भी हौसला दीजिए, ताकि देश का नाम रोशन करे। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ निर्मल, जो कि इंडिया वॉलीबॉल टीम की कप्तान है, उनके माता पिताजी। तो ऐसे ही हम शख्सियतों से मिलते रहेंगे, तब तक आप सभी दर्शकों को नमस्कार। और तो प्लीज़ जाते जाते हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करते जाएं।